चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर राजधानी भोपाल से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा गरीबों के लिए की गई दीनदयाल रसोई योजना को कमलनाथ सरकार ने किया बंद। उधर पूर्व मुख्यमंत्री ने कमलनाथ सरकार की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, हर एक अच्छी योजना पर कैंची चला रही कमलनाथ सरकार। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, हमने गरीबों को सस्ता भोजन मिल जाए, इसे बंद करके कांग्रेस सरकार गरीबों के पेट पर लात मार रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता न्यूज लाइव, भोपाल, मध्य प्रदेश। सरकार ने दीनदयाल योजना शुरू की थी, गरीबों को सस्ता खाना मुहैया कराया जाता था, पिछले काफी दिनों से बंद है। इस सरकार की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, हर एक अच्छी योजनाओं पर कैंची चला रही है। अब दीनदयाल रसोई योजना हमने इसलिए प्रारंभ की थी, गरीब आदमी मजदूरी करने वाला काम की तलाश में शहर आता है, अब वो जितनी कमाई करे अगर होटल में भोजन करने को दे दे तो बच्चों का पेट कैसे पाले। हमने इसलिए प्रारंभ किया था कि वो कम से कम सस्ता भोजन नॉमिनल चार्ज पर उसको मिल जाए, 5 रुपया में उसको भरपेट भोजन दे दे, पर सरकार ने उसी के लिए खाद्यान्न अलॉट नहीं किया, आवश्यक व्यवस्थाएं नहीं कर रही। गरीब के पेट पे लात मार के उस सरकार को मिलेगा क्या, मुझे समझ में नहीं आता कि इतने लोगों को कष्ट देने का काम की सरकार क्यों कर रही है। और इस योजना को और बेहतर बनाते, हमने 5 रुपया किया था 3 रुपया करते, और बढ़ाते, संख्या बढ़ाते तो ठीक था, लेकिन गरीबों के पेट पर लात मारने वाली सरकार को गरीबों की बदवाएं लगेगी। मेरी अपील है कि कम से कम इस तरह की योजनाएं तो बंद ना करें, दीनदयाल रसोई योजना जैसी।